पहला तो समझ लीजिए कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जिस सनातन धर्म को लोग कहता है कि हिंदू धर्म, तो हिंदू शब्द की पैदाइश कब हुई है? हमसे बड़े लोग भी हमको जो है ना बाबा बोलता है। अब किस रूप में कौन बाबा की चर्चा कर रहे हैं, बाबा कई अर्थ में लोग प्रयोग करता है। हम लोग तो ऐसे जो है सो जो बुजुर्ग होते हैं उनको बाबा कहते हैं। पहली बात तो यह है कि जो लोग कहता है कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म नहीं, धर्म तो सनातन धर्म है। वो लड़का सुला देता है, ऊपर से उसको चादर से ढक देता है। अब पूछता है कि बोलो तो ये जो जिनके पास हम खड़े हैं किस रंग के कपड़े शर्ट पहने हुए हैं, वो बोल देता है। तो वो तो जो है सो है, वो एक ट्रिक है। धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, तैयारियां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है, तो आरजेडी के बड़े और छोटे नेता जो है वो लगातार कह रहे हैं कि ये पाखंडी है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने भी कहा, और तेज प्रताप की बैटिंग तो लगातार जारी है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। बाबा आ रहे हैं, बाबा का विरोध लाजमी है? नहीं, बोले तो जिस बाबा के बारे में कहें बाबा बहुत, तो हमको भी बहुत बाबा बोलता है। हमसे बड़े लोग भी हमको जो है ना बाबा बोलता है। अब किस रूप में कौन बाबा की चर्चा कर रहे हैं, बाबा कई अर्थ में लोग प्रयोग करता है। हम लोग तो ऐसे जो है सो जो बुजुर्ग होते हैं उनको बाबा कहते हैं। अब हमको बहुत लोग बाबा कहता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ लोग तो जो है सो जो माने बच्चे हैं तो वो बाबा कहते हैं, और कुछ लोग इसलिए हमको बाबा कहता है कि चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, इसलिए भी बहुत लोग बाबा कहते हैं। तब बाबा कौन ढंग के बाबा? कमाल इतना है कि 25-26 साल की उम्र है, 60 साल के लोग जाते हैं हिंदू धर्म बचाने। पहला तो समझ लीजिए कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति है। और जिस सनातन धर्म को लोग कहता है कि हिंदू धर्म, तो हिंदू शब्द की पैदाइश कब हुई है? और हिंदू जो है सो एक रीजनल आइडेंटिफिकेशन है लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद में सिंधु के बगल में रहने वाले लोग जो है अपभ्रंश में जो है वो सिंधु से हिंदू हो गया। फारसी में स शायद नह लोग कह पाता है, इसलिए ह लोग कहता है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि जो लोग कहता है कि हिंदू धर्म नहीं, धर्म तो सनातन धर्म है, जो सनातन युग से चलाया, अनादिकाल से जब से सृष्टि है तब से है सनातन धर्म। तो पहले तो जो है सो जो लोग ऐसा कहते हैं, अब वही लोग बताएंगे कि हाँ साहब क्या उसके पीछे उनकी मंशा है। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी है, बाबा का विरोध नहीं करना चाहिए, बाबा मुस्कुराते अच्छा है, बाबा लोगों का भविष्य बताते हैं, बाबा पर्ची निकालते हैं और निकाल देंगे अगर बिहार सरकार की, तो आरजेडी और जो गठबंधन है वो मिट्टी में मिल जाए। नहीं, ऐसे लोग हैं तो खुशी की बात है, ऐसे लोग हैं तो जो आतंकवादी घटनाएँ घट रही है, नक्सलवादी घटनाएँ घट रही हैं, जो अव्यवस्था और अस्थिर करना चाहता है इस समाज को, देश को, वैसे लोगों के बारे में उनको बताना चाहिए। अब जो वहाँ विस्फोट हुआ, हमारे कई शहीद, हमारे जवान शहीद हो गए, तो ये सब उनको बताना चाहिए उनको। और सबसे पहले तो जो है सो जो अगल बगल में जो है दुश्मन देश सब, उसके खिलाफ़ में उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ में जो ये सब देश के अंदर रहकर जो अस्थिरता की स्थिति जो पैदा करता है, जो लोग, उन लोगों के बारे में बताना चाहिए। कौन अपराध करने वाला है उसके बारे में बताना चाहिए। तो बाबा हैं, अब क्या बताते हैं नहीं बताते हैं, वह तो अति पर स्टेशन के सामने बहुत जगह रहता है, तमाशा दिखाता है, तवीज़ बेचता है, ये बेचता है, हाँ बेचता है। वो भी दिखाता है, वो भी कहाँ से है, क्या मन में है वो बता देता है। वो लड़का सुला देता है, ऊपर से उसको चादर से ढक देता है। अब पूछता है कि बोलो तो ये जो जिनके पास हम खड़े हैं किस रंग के कपड़े शर्ट पहने हुए हैं, वो बोल देता है। तो वो तो जो है सो है, वो एक ट्रिक है। चमत्कार रहता तो चमत्कार तो वह होना चाहिए कि जैसे मौसम गड़बड़ है, बारिश हुई, इतना फसल बर्बाद हो गया, हम लोग का आम लीची बर्बाद हो गया, उतना अगर क्षमता था तो बता देना चाहिए था कि हाँ साहब ऐसी स्थिति होने वाली है। ऐसे लोग अगर हैं तब तो इस माने देश में किसी ढंग का आपदा विपदा नहीं आना चाहिए। आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जो हाल आसाराम का हुआ वही हाल इनका भी होना तय है। नहीं देखिए, अब बाबाओं के बारे में और जो आप कहे कि यहाँ करिश्मा दिखाने के बारे में,
तो सनातन धर्म के सबसे बड़े पीठ शंकराचार्य को माना जाता है, और शंकराचार्य जी ने किसी बाबा के बारे में उनका कमेंट था जो दावा करते थे बाबा कि हाँ साहब ये भविष्यवक्ता हैं, पहले बताते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो शंकराचार्य जी का आया था कि भाई जोशी मठ में जो ये भूस्खलन हो रहा है उनको बता देना चाहिए था पहले से। हाँ, अब शंकराचार्य से बढ़कर तो मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो वही पीठ है शंकराचार्य, और कोई भी अगर सनातनी है तो उसके लिए शंकराचार्य से बढ़कर कोई जो है सो पीठ नहीं है। और जब शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है सनातन धर्म में, तब जो है सो अब उसके अलावा कोई भी कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म का वो है नहीं, सनातन धर्म को मानता नहीं है। अब धर्म के नाम पर तो धंधा करने वाले बहुत मिल जाते हैं। आप लोग नहीं जाएंगे, हालांकि लालू यादव को और इन सारे लोगों को दावत दी गई है। अब किसको दावत मिला को है वो अलग बात है, तो अपना अपना चीज़ है। अब तो सब जगह कथा हो रहा है, कथा प्रवचन जो है सुताब देखिए अभी बहुत अच्छे प्रवचन करता है हुए हैं यहाँ पर छपरा में, आज देखे अखबार में, सिवान में, हमारे अगल बगल में दो तीन जगह जग हो रहा है, वहाँ पर भी हरिद्वार से आए हैं, हम खुद जो है सो बुलवाते हैं उसमें प्रवचन करने वाले लोगों को जो प्रवचन करते हैं, और एक पर एक ज्ञानी लोग हैं प्रवचन करने वाले लोग हैं। तो अब प्रवचन सुनने के लिए तो अपनी इच्छा पर है, लोग जो जाना चाहते हैं उनको थोड़े कोई रोक टोक। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने को लेकर के हंगामा है। चितरंजन गगन ने बताया कि किस तरह से जो धर्म का एक मामला है उसको लेकर के लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर ऐसा ही चमत्कार करने का मामला है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो माइंड रीडिंग का काम करते हैं, यानी वो समझ करके अंदाजे से इस तरह का करिश्मा करते हैं, लेकिन बाबा किसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं आ रहे। इनका एक अपना मामला है और इसी को लेकर के विरोध नहीं है। जिसको जहाँ आना है वो जाकर के अपना बयान दे सकता है, अपनी बातें कह सकता है।